अरे चचा कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं बेटा नदिया पार। नदिया पार? अरे मल्लू गधना इधरिया उधरिया। हाँ क्या हुआ, क्या 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 हुआ? अरे चचा नदिया पार जा रहे हैं, नहीं जानते क्या कहानी नदिया का? नहीं बेटा हम तो कुछ नहीं जानते। लगा थे चचा नदिया पार पहली बार जा रहे हो। अरे चचा जरा ध्यान से, जो भी नदिया पार जाते है बच के ना आवत है चचा, संभल के। कुछ हथियार लिए हो? अब बेटा हमारा तो यही हथियार है, जहाँ भी जाते हैं इसे लेके जाते हैं और प्रभु की दया से सब कुशल मंगल। क्या चचा लगे थे चचा मजाक करते हैं? हाँ किताब को हथियार बता रहे हैं। तो टाइम हो गया, मुझे निकलना होगा। जा रहा तो जाओ चचा, पर किताब से जिंदगी नहीं बचत है। बेचारा नया आदमी लग रहा था, जिंदगी गवा बैठेगा बेचारा। सुबह हो गया, देखते हैं चचा आते हैं कि नहीं। हाँ या फिर बाकियों की तरह अपनी जिंदगी गवा दिया होगा। उतरी और देखो चचा वापस आ गए। कैसे चचा तुम बच कैसे गए? प्रभु का हथियार मेरे साथ है। प्रभु का हथियार? अरे क्या है इस हथियार में चचा? ये प्रभु का वचन है और वचन में लिखा है, तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाढ़ से। मगर तुम बच कैसे गए चचा? स्वयं वचन कहता है बेटा श्रोत ग्रंथ में कि क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, और शायद प्रभु के दूत ने मुझे मेरी रक्षा की है। चचा की बातें भी बहुत अजीब है, गजब का हम लोग का परेशान करती है। बात तो है यार, लेकिन चचा बच कैसे गया? ये तो इतिहास हो गया। मेरे मन में एक सवाल है, आज दनियलवा के बारे में पूछते हैं। हाँ चलो। चचा आ गए, चचा रुको रुको। क्या हुआ बेटा? चचा मेरे मन में एक सवाल है। हाँ पूछो बेटा। हमारे साथ हम लोग का एक दोस्त रहता, नाम है दनियलवा। दिन भर हमारे साथ ही खेलता कूदता है, ना रोग ना कोई बीमारी। आखिर क्या है उसकी कहानी? आओ देखते हैं उसकी जिंदगानी। आहा सुबह हो गई, प्रभु आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद। बेटा ये है इसकी जिंदगी। वचन स्वयं कहता भी है, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, और यही कारण है कि प्रभु इसकी रक्षा करता है, यह प्रतिदिन प्रभु का नाम लेता है। आजकल चचा की बातें बहुत विचित्र लगती है। मजा आवत है लेकिन। ओहो ये बुढ़ों को भी देखो, इतनी उम्र में भी घास छिल रहे हैं। थोड़ा पूछते हैं दादू, उम्र का हो रही होगी तुम्हारी? अरे बचवा उम्र तो हमारा लगभग 120 वर्ष हो ही गए होंगे। 120 साल? अरे यार दादू बीमारी है क्या तुम्हें? हाँ बेटा बीमारी तो नहीं, प्रभु की दया से सब कुशल मंगल है। प्रभु की दया से? चाचा भी वही बोल रहे थे। लागत है इनके पास भी हथियार है। ओ चचा आ गई हो, चचा से पूछ। चचा एक बात बताओ, 120 वर्ष के हो गए हैं, ना कोई रोग ना कोई बीमारी, 120 उम्र में छिल रहे तरकारी। का क्या रहस्य है चचा? आओ बेटा इनके जीवन पे भी एक नजर डालते हैं। ये है इनका जीवन बेटा, वचन में भी लिखा है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, और यही कारण है कि इन्हें इतनी लंबी आयु प्रदान हुई है। चचा तुम्हारी बातें बहुत रहस्यमय लगती हैं। हाँ। जरा हमें भी बताओ इस किताब रूपी हथियार के बारे में। हाँ चचा आओ बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह है क्या। इस किताब का नाम है बाइबल। इसमें प्रभु का वचन लिखा हुआ है और वचन कहता है,
कि तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। का चचा, 7-8 महीना से दुनिया जूझ रही है इस महामारी में और आप कह रहे हैं इसे ही चली जाएगी। चचा मजाक कर रहे हैं। जब प्रथम देश फादर नदी के किनारे से लौट आए थे तब वो मजाक था क्या? हाँ बात तो सच है पर फादर। हाँ इनको फादर बोलते हैं। लेकिन फादर ये कोरोना वाली महामारी कब खत्म होगी? बेटा इसका भी इलाज इस वचन में है। वचन कहता है कि प्रभु ने वैद्यों और वैज्ञानिकों को बनाया और जब वो उन्हें आशीष देगा तब वो इसका निर्माण कर डालेंगे। क्योंकि बाइबल इस इतिहास का गवाह है कि जो भी महामारियां पहले आईं उन सब को खत्म करने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु है। अच्छा अब समझ में आया। हाँ। तो मेरे प्रिय बच्चों आपने इस बाइबल से क्या सीखा? अरे फादर ये एक हथियार है और फादर यह एक वचन है, प्रभु हमसे इससे बातें करता है। और फादर इसमें सारे सवालों का जवाब भी तो है। हाँ फादर जी, प्रभु ही हमें सभी महामारियों से छुड़ाएगा। प्रभु ही हमारा रक्षक है फादर। अर्थात प्रभु ही हमें बचाता है और ये बाइबिल ही हमारा हथियार है। प्रभु तुझे धन्यवाद, तूने इन अज्ञानियों को भी अपने सुसमाचार से बचा लिया। अब तो ये भी समझ गए कि प्रभु ही एकमात्र रक्षक है, हमें बचाता है और घातक महामारियों से छुड़ाता है।